खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि विगत 20 वर्षों से लगातार कार्यरत है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी अपनी जान हथेली पर रखकर सेवाएं दी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार खेल युवा कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग में लागू की जा चुकी है, परंतु एनएचएम के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आइए सुनते हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। अपने एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन द्वारा रीवा इकाई, रीवा में जितने भी संविदा स्वास्थ्य संगठन, चाहे टीवी हो चाहे एनएचएम के माध्यम से हो, जो भी संविदा में काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग आंदोलन करने के पहले बार बार निवेदन पत्राचार प्रदेश के हरेक जिले से जिला अध्यक्ष को हम लोगों ने आवेदन दिया है ना, कि सन 2018 में जो मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था, कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको सबको नियमित किया जाएगा, और साथ ही जिनकी जिनकी 1 से 3 वर्ष तक की सेवा है उनको कम से कम सरकारी कर्मचारियों के बराबर तो नहीं, लेकिन 90% उनका उनको मानदेय भुगतान किया जाएगा। किंतु दुर्भाग्य की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार ये कहते हैं कि संविदा मध्य प्रदेश का कलंक है, इसे हटाया जाना चाहिए, और वहीं पे आज 5 वर्ष बीत गए, 2023 में पुनः चुनाव होना है मध्य प्रदेश विधानसभा का, और आज दिनांक तक किसी भी तरह की कोई भी सुविधा मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं दी गई, जबकि उसके विपरीत आप देखें तो अन्य अन्य जो विभाग हैं, तो जो कमेटी बनी थी उसी के आधार पे बाकी कर्मचारियों को उन्हें नियमित कर दिया। लेकिन आप कोरोना काल में देखिए, जितने भी हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं अपनी जान हथेली में लेके मरीजों के लिए, मरीजों के उपचार के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, तो हम अपनी जान हथेली में लेके और अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरा काम किए। वहीं पे सरकार का क्या ये नैतिक दायित्व नहीं है कि हम लोगों को कम से कम इतना तो आप दे दो कि हमारे परिवार का अच्छे से भरण पोषण किया जा सके। और अगर हमारी मांग ये है कि जो लोग 20 साल से संविदा में काम कर रहे हैं आज वो लगभग रिटायरमेंट के कगार में आ गए, आज वो क्या करेंगे, तो ऐसे लोगों को नियमित किया जाए जिनकी सेवाएं 3 साल से ऊपर की हैं, उन सबको नियमित किया जाए, और जिनकी सेवाएं 3 साल से कम की हैं उनको कम से कम सरकारी कर्मचारियों का 90% वेतनमान दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरा, पिछले बार 2021 में जो हमारा वो हुआ था स्ट्राइक, हम लोगों ने की थी, आंदोलन किया था, उसमें एनएचएम द्वारा ये कहा गया था कि अगले सप्ताह के जून, माने अगले सप्ताह जून माह में आप लोगों को, आप लोगों की मांग अनुसार जो भी वेतनमान है वो एरियस के साथ में कमेटी बना के और हम भुगतान कर देंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात है, 2021 था और दिसंबर 2022 लगा हुआ है, बंद हड़ताल इसलिए कि बिना नबानत जड़त जड़ गए 5 वर्ष बीत, तब कर्मचारियों को अब क्रोध आ गया है, अब चाहे अब कुछ होना नहीं है, जो 20 साल से कर रहे हैं जिनकी उम्र आज 55 साल की हो गई है उनके पास क्या विकल्प बचा है, उनको रिटायरमेंट का पैसा देंगे क्या? वो हम मांग रहे हैं कम से कम हमारे परिवार का सही तरीके से भरण पोषण हो सके, ये है उसका मतलब। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।